देश के भीतर जो डर है, नफरत, देश के भीतर जो बंटवारे का डर है, संविधान जो आज खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर, वाल्मीकि, पेरियार, इनकी विचारधारा कंप्लीट, बिरसा मुंडा की ताकत को जो खत्म करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र कंप्लीट रूप से रहा नहीं। लोकतंत्र का मतलब है सीबीआई, ईडी, अदानी, अंबानी, आईटी और कुछ सत्ता में बैठने वाले दो लोगों का गेम। इस कंट्री में डेमोक्रेसी सिर्फ इतने देर आदमी की, और ऐसे समय में जब महिलाओं पर सबसे ज्यादा वार हो, महंगाई को लेकर के, उसके नोटबंदी को लेकर के वार हुआ है, नोटबंदी में सबसे ज्यादा पैसा महिलाओं की खाली हो गई, जो सेविंग अमाउंट होता था बच्चों के लिए, पिता के लिए, पति के लिए और खुद के जिंदगी के, सबसे ज्यादा वार इन्होंने महिलाओं में, सबसे ज्यादा सब्जी दाल, अब तो लैट्रिन तो जाइएगा वो जो पानी लीजिएगा उसका भी जीएसटी लगेगा, पर छुआ जो लीजिएगा बाथरूम उसमें भी जीएसटी लगेगा। ये किताब पढ़ना चाहिए आरसीपी सिंह जी, ये तेल साबुन या कोई चीज बहुत दूर जा चुकी है, ये इस बात का ख्याल रखिए। ये एजुकेशन पर जीएसटी, हेल्थ पे या कफन पर जीएसटी लग चुकी है, बाथरूम पर जीएसटी लग चुकी है, अब तो करवटे बदलने और सांस लेने पर ना जीएसटी बाकी है। तो दूसरी तरफ किसान पर जितना बड़ा वार हुआ है 8 सालों में, और तीसरी तरफ रोजगार को लेकर के जिंदगी जितनी कोलैप्स हुई, और चौथी तरफ मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कम कर दी, तो मजदूर जो देश की सबसे बड़ी ताकत वो भी गए, फार्मर जो 80-70% है, 900 शहादत के बावजूद भी एमएसपी नहीं लागू किया वो भी गए, जो महिला आधी आबादी है नोटबंदी से अभी तक वो भी गए, और जो नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का दिया था, तो किसान तो गए ही, जवान भी गए। हम एक बड़े ज्ञानी ही जो भगवान कहते नहीं थकते थे, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कहते हैं मजबूती से रहते हैं, न जिसका कोई पाग न पगा न वजू, लंबे समय तक सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिना पद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के, इस दुनिया में एक बात याद रखिए, किसी भी पार्टी को जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता हो, जमीन पर ना हो, जो लाठी खाने की क्षमता ना रखता हो, जो दुनिया की मदद करने की क्षमता ना रखता हो, जो जेल जाने की हिम्मत ना रखता हो, और जो आम आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसको किसी भी पार्टी के शीर्ष पर कभी नहीं बैठाना चाहिए। पार्टी पे शीर्ष पर बैठना उस व्यक्ति को चाहिए जो किसान के आर से मजदूरों के घर तक लड़ने और लाठी खाने की हिम्मत करे, जो जेल में जाकर के यात्रा सहने की हिम्मत करे, जो 46 और 47 डिग्री
में जाने की हिम्मत रखता है, जो 14 से 16 निकलते नहीं है, वैसा वैसा व्यक्ति भी है। हम नीतीश जी की कोई बड़ाई या तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, यदि किसी में हिम्मत हो पर्सनल एज ए, जो आज लंबा लंबा बात कर रहे थे, तो नीतीश जी के पर्सनल ईमानदारी के कैरेक्टर पर तुम कुछ बोल सकते हो? और तुम जब इतने दिनों से साथ थे और 2000 इसके पहले जब आरजेडी और नीतीश कुमार जी एक होकर के लड़ रहे थे और तब जब सरकार बदली थी तब तो तुम भी साथ में थे, तब तेरे पेट में दर्द क्यों नहीं थी, तब तेरे को मिर्गी क्यों नहीं चली थी? ये तो एक बड़ा विषय है कि नीतीश कुमार जी ने कमर कसा संकल्प लिया। देखिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, इस देश को बचाना जरूरी। और ये बात सच है कि आप कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के बगैर विपक्षी एकता का कोई औचित्य और मतलब नहीं है, और थर्ड फ्रंट का भी कोई मतलब नहीं है। आप इसको समझ लें, कोई मतलब यदि आप 2024 में इस देश के युवाओं को, किसानों को, बेटियों को, महिलाओं को और देश की डेमोक्रेसी और संविधान को बचाना चाहते हैं, तो आपको बिना किसी पद के इस कंट्री के सबको एक होना पड़ेगा। और जो लोग आज यह कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस छोड़, ये कांग्रेस छोड़ बीजेपी को हराने की वकालत करने वाला वह बीजेपी की बेटी, बहुत क्लियर सर। इसीलिए सपना और प्राइम मिनिस्टर, हमको तो आश्चर्य होता है आरसीपी बाबू पर। आरसीपी बाबू, जिस आडवाणी जी ने जिसकी सरकार बचाई और उस आडवाणी जी का क्या हस्त किया, अटल जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हुआ, उत्तराखंड के बड़े नेताओं का क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हुआ, बाला साहब ठाकरे के परिवार का क्या हुआ, मुक्ति मोहम्मद शहीद थी उसका क्या हुआ, बादल साहब साथ में थे उसका क्या हुआ है? अब देखिए ना, किसके हुए, संजय जोशी आरएसएस के हुए, किसके हैं ये हुए जो कांग्रेस में थे उसको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम, ये गुलाम नबी आजाद के हुए, ये ज्योतिन्द्र सिंधिया के हुए, जो वंशवाद, जीतन प्रसाद वंशवाद, कांग्रेस में लोग वंशवाद और परिवारवाद नहीं थे। हमको तो आश्चर्य है भाई, जितना कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद था सबको मंत्री इन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा पीठ में खंजर तो इसी ने होगा।